राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनेता और सांसद अंबिका सोनी। अंबिका सोनी 13 नवंबर 1942 को पंजाब में जन्मी अंबिका सोनी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर करने के बाद अंबिका सोनी आगे की पढ़ाई के लिए पहले बैंकॉक और फिर क्यूबा पहुंची। फ्रांसीसी भाषा और कला साहित्य उनके प्रिय विषय हैं। अंबिका सोनी को राजनीति में आए अब 4 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। 1976 में राज्यसभा सदस्य बनने से पहले अंबिका सोनी भारतीय युवक कांग्रेस की अध्यक्ष थी। 1998 में वो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बन गईं। 1999 से 2006 तक वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव रहीं। अभी हाल के वर्षों तक भारत सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रही अंबिका सोनी पहले पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं। सांस्कृतिक आयोजनों और फिल्मों के साथ उनके नजदीकी संबंध हैं और भारत की फिल्म संस्कृति पर वो खुलकर बात करती हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी। धन्यवाद। मुझे बताइए कि फिल्मों में अगर आप गौर करें कि पंजाब एक ऐसा इलाका है जहां से बहुत से लोग फिल्मों में गए और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे फिल्मों पर बहुत लंबे समय तक असर रहा और आज भी असर बना हुआ है। क्या वजह पाती होंगी आप कि पंजाब से बहुत शुरुआती दौर से भी लोग फिल्मों में गए और उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? आपका प्रश्न पहली बार मेरे सामने उठा है जी। मैं मंत्री भी रही हूँ इन विभागों की, किसी ने मुझे इस बात को दर्शाया नहीं जी। लेकिन अब सोचूं तो हाँ, सही बात है कि नाम लेना तो उचित नहीं है क्योंकि सबके नाम नहीं लिए जाएंगे जी। क्योंकि फिल्मों को मैंने सदा ऐसे पाया है कि किसी ने ये नहीं सोचा कि ये अभिनेता या अभिनेत्री कहाँ से आए हैं, किस धर्म में विश्वास रखने वाले हैं, इनके नाम से क्या ये पंजाबी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, किसी ने नहीं। आपने अच्छा काम फिल्मों में किया, आपने लोगों और अपने बीच में एक रास्ता बनाया, बॉन्डिंग की, तो आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। हाँ, अब आप कहें दिलीप कुमार भी एक तरीके से बाहर से आए, वेस्ट पाकिस्तान से हों या पंजाब भारत के पंजाब के हिस्से से हों, मैं समझती हूँ कि पंजाबी होने के नाते मैं जो कहना चाहूँगी कि हम लोग बिल्कुल दिल से बात करने वाले लोग हैं। बहुत मरतबा हम सोचे समझे बगैर बोलते हैं। हमारी भाषा भी ऐसी है कि बहुत एक्सप्रेसिव कहते हैं लोग उसको, कुछ लोग तो उसको ज़्यादा अग्रेसिव और असर्टिव भी कहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक स्वभाव की बात है कि जो दिल में है वो बाहर, और हसमुख और कभी हारने नहीं वाले या हार मानने नहीं वाले, मतलब संघर्ष करने के आदि। तो जब ये सब क्वालिटीज़ किसी व्यक्ति में हों तो, और वो फिल्मों में दर्शाए, तो जो एक आम आदमी फिल्म देखने जाता है वो क्या देखना चाहता है? एक तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा मन को भाने वाले परिस्थितियों में रहना चाहता है 3 घंटे। दूसरा, वो देखना चाहता है कि जो कमज़ोर है वो ताकतवर पर कैसे विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। वो देखना चाहता है कि मेहनत करने पर ज़िंदगी और बेहतर बन सकती है। तो ये तमाम चीज़ें, अब आप मुझे ऐसे ना कहना कि मैं पंजाबी होने के नाते ज़्यादा श्रेय ले रही हूँ, लेकिन मैंने आपके प्रश्न का तुरंत उत्तर देने का प्रयास किया है। देखिए, फिल्में कितनी गहरी छाप छोड़ती हैं सोसाइटी पर। खुद जब आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर गौर करती हैं तो आपकी ज़िंदगी पर फिल्मों ने क्या असर छोड़ा होगा? क्या इसे शुरू में देखा जाता होगा आपकी नज़र से, तो क्या उसे एक ऐसी चीज़ माना जाता होगा कि ये तो एक औसत दर्जे का काम है, ये सिर्फ वक्त पास करने की चीज़ है? क्या था वो जो आप फिल्मों के साथ जब आमना सामना? देखिए, बचपन से मैं समझती हूँ कि एक
लगाव रहता है हर एक इंसान में फिल्म जाने में, क्योंकि जैसे आपको मैंने कहा ग्लैमर लाइफ, जो अपने से अलग ज़िंदगी होती है उसको देखने का मौका मिलता है। अब पहले तो मैं अपने माँ बाप की बात करूँ, काफ़ी वो स्ट्रिक्ट होते थे कि फिल्में नहीं देखनी, इससे मन विचलित होता है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उस वक्त मैं ये सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी मैं रोज़ फिल्म देखूंगी, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही कि भाई अच्छे लिबास पहने हुए हैं, जो अभिनेत्रियाँ हैं बहुत खूबसूरत हैं, जो अभिनेता हैं वो ताकतवर, और यही होता है और क्या। लेकिन बदकिस्मती से जैसे मैंने एक अपनी ज़िंदगी में अपना एक प्रोफेशन चुना और फिर आगे काम करना शुरू किया, फिल्में देखने का मौका बहुत कम मिला। मुझे तो बहुत कई दफ़ा शर्म आती थी जब मैं सूचना प्रसारण मंत्री थी और मुझे लोग पूछते थे आपने कौन सी फिल्में देखी हैं, और मुझे कहना चाहिए था कि ये भी देख ली वो भी देख ली, अवार्ड विनिंग फिल्म्स के नाम तुरंत निकलने चाहिए थे। तो ये कमी मैंने अपने में महसूस की कि मैंने कई फिल्में नहीं देखी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा समय लगाया फिल्मों के बारे में पढ़ने के लिए, जो कमेंट्रीज अखबारों में और कई दफ़ा चर्चाओं में आती थी, तो मैं ज़्यादा ध्यान देती थी कि फिल्मों के बारे में कुछ कहा जाए। लेकिन बहुत से अभिनेता हैं जिन्होंने एक छाप छोड़ी है। अब आजकल तो शाहरुख खान और सलमान खान का ज़माना है, और भी बहुत से ज़्यादा फिल्म साज हैं, अब मैं नाम लेना नहीं चाहिए था। लेकिन आप देखिए दिलीप कुमार, देवानंद, उस ज़माने के अभिनेताओं ने भी बहुत अच्छे रोल अदा किए और एक छाप छोड़ी। और मैं समझती हूँ कि अमिताभ बच्चन तो एक लेजेंड बन गए हैं जी। कब से शुरू किया और आज तक वो कम्पीट कर रहे हैं आज के ज़माने के नौजवान अभिनेताओं के साथ। तो उनमें ज़रूर कुछ कला है जो उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है और एक प्रभावित तरीके से। अगर यादों में पीछे जाएं और याद करें कि पहली वो फिल्म कौन सी होगी जो आपने देखी होगी और उसकी उसका जो जादू था वो तब बिल्कुल नए एक एहसास की तरह रहा होगा। मुझे याद है अनारकली, बहुत पुरानी फिल्म है। दूसरी फिल्म मेरे को याद, जो आज मैं अच्छी तरह से याद कर सकती हूँ, वो CID, देवानंद और वहीदा रहमान। के गाने में अगर आप पूछो तो मैं ज़्यादा बता सकूं। गाने ही कौन से, जैसे अगर यही दो के नाम लें तो इनमें से कोई गाना आपको याद आता है? नारकली के तो बहुत से गाने हैं जो सभी काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, कवाली भी और गाने भी, और हाँ। फिर एक वो हम दोनों का गाना था देवानंद में फिल्म का, वो भी बहुत ही अच्छा था। फिर मुझे याद है कि हालांकि मैंने वो फिल्में बहुत देर में आकर देखी, लेकिन जो शहीद, जहां दिलीप कुमार और थे, वतन की राह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इस तरह से मैंने, अब आप मेरे को बिल्कुल डेट कर रहे हैं, मेरे को नई फिल्मों का इतना ही नहीं है अंदाज, लेकिन अभी मैंने हाल में कई, अब टेलीविज़न में भी कई दफ़ा आप चैनल सर्व करो तो फिल्में अच्छी नज़र आ जाती हैं। मैंने शाहरुख खान की भी देखी, एक फिल्म थी जहाँ कभी गम कभी खुशी कभी गम, हाँ ये भी मैंने देखी। पापा ने भेजा है तो रोहन, अब यही मेरा परिवार है,
यही मेरे लोग हैं, यही मेरी दुनिया है। जिस घर की तुम बात कर रहे हो वो तो मेरा कभी था ही नहीं, पर ना कभी होगा। तुम वापस चले जाओ। वो मैंने अभी देखी थी, वो जो इन्होंने स्पेन में किया था, जो फरहान जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो भी बहुत ही अच्छी थी। लोग आई मीन समय पास करने के लिए बहुत अच्छी थे। तो अलग अलग तरह की मैंने कोई खास जाकर फिल्में देखी हूँ। हाँ, चौदहवीं का चांद भी देखी थी। देखा चौदहवीं का चांद का काफ़ी असर पड़ा था। फिल्मी जो एक्टर्स हैं उनमें से नाम लेते हुए दिलीप कुमार, देवानंद, शाहरुख खान से होते हुए अमिताभ बच्चन तक, लेकिन हीरोइनों में अगर आप याद करें तो वो कौन सी हीरोइनें होंगी जो आपके दौर में आपको ज़ाती तौर पर? हाँ जी, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस मैंने महसूस किया था, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी, मीना कुमारी। एक फिल्म साथ ही गीता बाली, जिनका मेरे को बहुत एक उनमें से बचपना था जो उनमें, मुझे वो बहुत ही आकर्षित लगा। मधुबाला, नरगिस, हाँ मैंने मदर इंडिया भी देखी थी जी, उसका बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर असर भी पड़ा था। ये तो सब मेरे वक्त की एक्ट्रेसेस हैं, और अब जो नई युवा एक्ट्रेसेस हैं इनमें मैं समझती हूँ काजल बहुत अच्छी भूमिका अदा करती जब भी एक्ट करती हैं, और एक डिग्निटी भी है उनमें। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनेता और सांसद अंबिका सोनी। जब आप इस पर गौर करती हैं कि फिल्में सोशल एस्पिरेशन को ओरिएंट करने, उस पर असर डालने का भी काम करती हैं, और फिल्मों से सोसाइटी पर भी असर पड़ता है, तो ये जो लेन देन का रिश्ता है इस पर आप कैसे रिएक्ट करती हैं? देखिए, फिल्मों को काफ़ी हद तक जो उस वक्त की मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति है, देश में जितनी तरक्की हुई है, नहीं हुई है, पिछड़ापन है, अंधविश्वास है, कुछ हद तक तो इसको दर्शाना पड़ेगा। परिस्थितियों से अपने आप को अलग कर कर बनाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन इसके अलावा मैं समझती हूँ फिल्मों ने काम किया है इस देश के लोगों को बांधने का, जो हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि यह बहुत बड़ा योगदान भारतीय फिल्मों का है। मगर एक बात, दूसरा इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि मैं मंत्री रही, मुझे सांसदों के साथ उनकी टिप्पणियाँ सुनने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिला। अक्सर आप अखबारों में विवाद सुनते हैं कि सेंसर बोर्ड ने क्या कर दिया, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इस फिल्म को नहीं को, और कुछ ऐसे तत्व ज़रूर हैं जो अपनी मनमानी करने के लिए कई दफ़ा फिल्मों का और एक पूरे वातावरण का नुकसान करते हैं। उसमें मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, भारतीय समाज इवॉल्व करता रहा है। जो मेरे वक्त हम नहीं देख सकते थे, किस तरह की फिल्में देखते थे, नाच गाना किस तरह का होता था, एक संयम था, थोड़ा सा आपके कंजर्वेटिव था, लेकिन आज भारतीय दर्शकों ने कितनी ज़्यादा आप कहें तरक्की या अपने में फेर बदल अपनी सोच में, देखने के चॉइसेस में किया है कि आज आप काफ़ी देख रहे हैं, एक बहुत उसमें तब्दीली आई है फिल्मों में। अब ये तब्दीली एक स्वाभाविक तौर पर आती जाए मैं इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन जब कुछ कलाकार सामाजिक चॉइसेस या दर्शकों की
पसंदीदा फिल्में क्या हैं, उससे कन्फ्रंटेशन की पोजीशन लेना चाहें। क्यों? क्योंकि उनका अधिकार है फिल्म बनाना। मैं इस अधिकार को मानती हूँ, सलाम करती हूँ, लेकिन आपका अधिकार जहाँ है संविधानिक तौर पर, मेरा भी दर्शक के रूप में कुछ अधिकार है। बिल्कुल, मेरा अधिकार है कि मैं ऐसी फिल्म देखूं जिससे मेरे मेरे को कुछ चोट ना पहुंचे, मेरी सांस्कृतिक मूल्यों को चोट ना पहुंचे, मैं अपने परिवार के साथ उस फिल्म को देख सकूं, उस फिल्म का असर मेरे बच्चों पर इस तरह का ना हो कि वो हिंसा के रास्ते पे चल पड़े या झूठ फरेब कपट के रास्ते पे चल पड़े, ये मेरा भी अधिकार है। तो मैंने तो सदा अपने साथियों से, दूसरी इंस्टीट्यूशन से, फिल्म मेकर से बराबर ये टकराव रहता था। तो कोशिश ये करती थी कि एक बीच का रास्ता अपनाया जाए कि आप साथ में चलिए दर्शकों के, आप अपने क्रिएटिव राइट्स का बिल्कुल इस्तेमाल करिए, बनाइए फिल्में, लेकिन टकराव की स्थिति पे मत लाइए, क्योंकि जब आपका अधिकार है दूसरे का भी है, और एक का अधिकार दूसरे के अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो कई जगह तो हम लोगों ने इस तरह से स्थिति पर सफलता हासिल कर ली, लेकिन कई दफ़ा आपने देखा है तोड़ फोड़ पर लोग उतर आते हैं, सिनेमा हॉल्स का नुकसान होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो कुछ एक फ्रिंज एलिमेंट होता है जिनका काम ही ये होता है। अब ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि लोग अपने ऊपर भी, मैं समझती हूँ कि वो अपने ऊपर अटेंशन देश की लाना चाहते हैं, कोई और रास्ता नहीं तो तोड़ फोड़ फिल्म पकड़ो फिल्म में ये है। कुछ लोग फिल्म के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं क्योंकि फिल्म शायद फिर ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है, कई चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि फिल्म मेकर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स को दर्शकों की संवेदनशीलता पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब आप इस पर गौर करती हैं कि एक फिल्म जिसमें गाने होंगे, जिसमें संगीत होगा, जिसमें हीरो हीरोइन, जिसमें एक कहानी होगी, उसका एक पर्पस होगा, कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगती है कि एक फिल्म को बहुत कामयाब फिल्म बनाती है, अगर ये सारे एलिमेंट्स देखें, क्योंकि फिल्मों का जो गीत वाला जो पक्ष है, फिल्म सॉन्ग्स, वो एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत हम लोगों के देश की एक ये खास एक विशेषता है, या कि ये इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक विशेषता है जिसमें गाने होंगे और प्लेबैक सिंगिंग होगी, आपको क्या लगता है? हाँ, म्यूज़िक का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, और कई दफ़ा फिल्म के रिलीज होने से पहले ही कुछ गाने बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और तभी आपने देखा कि पार्लियामेंट ने एक लॉ भी लेजिस्लेट किया जहाँ लिरिक राइटर्स, लिरिसिस्ट और कंपोजर्स वगैरह के रॉयल्टी के बारे में हम लोगों ने कुछ प्रावधान किया है, और अब कानूनी तौर पर सबको मिलेगा, नहीं तो लोग गाना अच्छा लिखें, 500 रुपए में बिक जाए और आगे चल कर करोड़ों बनाएं और उस बेचारे लिखने वाले को कुछ मिलता नहीं था। बहुत सी बातचीत विवाद के बाद सबको एक मंच पर लाकर हम लोगों ने ये कानून पास किया है, और मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक बहुत एक अहम भूमिका अदा करता आया है। लेकिन आजकल जैसे मैंने जिक्र किया न्यू सिनेमा का, अगर उसमें अच्छी स्टोरी है, दिल को छूने वाली स्टोरी है, तो अब लोग, आपको याद है फिल्में थी जागते रहो, सुनील दत्त थे शायद, राज कपूर, एक सुनील दत्त की भी और एक ऐसी फिल्म थी, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिनमें सामाजिक संदेश थे, नहीं पॉपुलर हुए, जो भी एक आर्ट सिनेमा बनाने के प्रयास करते थे उनको कमर्शियली नुकसान होता था। आज वो स्थिति बदल गई है, पहले वो फिल्में देश में भी ज़्यादा लोग देखना शुरू कर चुके हैं और फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स में भी उनको अवार्ड मिलते हैं। और पार्लियामेंट की बात अगर करें तो खुद राज्यसभा में नॉमिनेट होकर बहुत सारे फिल्मी लोग आते रहे हैं, और इसके अलावा आप चूंकि मिनिस्टर एन भी रहीं, तो फिल्म की दुनिया के लोगों के साथ आपके अगर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और एनेक्डोट्स, के उनको जब आपने पर्दे पर देखा तो एक तरह की इमेज थी, जब जाती तौर पर इंटरेक्शन हुआ तो कुछ ऐसी बात थी। लेकिन जब आप एक ऐसे विभाग की मंत्री बन जाएं जहां आपको एक पर्सनल चॉइस भी है, लगाव भी है, तो मंत्री बनने से रिश्ता थोड़ा बिगड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि रिट्रोस्पेक्टिवली
अगर मैं एमपी रहती सिर्फ जैसे आज हूँ, और जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं, अब रेखा आई हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, इससे पहले शबाना रहीं, कई हमारे फिल्म स्टार्स रहे हैं, राजेश खन्ना थे, खैर वो तो लोकसभा भी लड़े थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, तो एक मंत्री के रूप में वो आपको अथॉरिटी देखते हैं, तो कोई वाद विवाद के इतने मसले उठते हैं कि हर एक को कोई ना कोई तकलीफ ही है मंत्री से, तो वो अच्छा तरीका नहीं है रिश्ते सुधारने का या रिश्ते अच्छे बनाने का। अब मैं ये इस उम्मीद में हूँ कि अब एमपी के नाते मैं जिस फिल्म स्टार के पास जाना चाहूँ, सांसद हों या दूसरे हों, तो एक ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि जान पहचान थोड़ी बहुत हो गई और अब मौका मिल सकता है अपनी चॉइस के मुताबिक फिल्म स्टार से बेहतर एक कॉन्टैक्ट बनाने का। ये तो हुई बात, हर दफ़ा मेरे पीछे ही लोग पड़े होते थे, इस फिल्म को करो, इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है, या इसमें इनको कोई और सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, या ये संडे को नहीं दिखाई जाए, या ये फिल्में टेलीविज़न में नहीं दिखाई जाए, या अडल्ट फिल्म्स हैं, यूए सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ग्रोइंग सेक्टर है, इतना ग्रो कर रहा है, अब 100 साल हो गए हैं, लेकिन आज 1000 फिल्में भी हम भारत में बनाएं तो मैं समझती हूँ कम है, और अब तो क्वालिटी फिल्म्स बन रही हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत से मुद्दे उठते हैं जिनको सुलझाना पड़ता है। सेंसर बोर्ड में लोग मेंबर बनना चाहते हैं, वो सोचते हैं वो एक अच्छा तरीका है उनको फिल्म इंडस्ट्री के साथ अपना संपर्क बनाने का, कुछ फिल्में देखने का, जो कई दफ़ा मौका नहीं मिलता। तो हमारे कोई 9 सेंसर बोर्ड्स हैं रीजनल बेसिस, उनके मेंबर बनाते ही काम टाइम निकल जाता था। तो और आखिर में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई एक फिल्म जिसको आप दोबारा देखना चाहती हों वो कौन सी होगी, अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो? कई फिल्में हैं जिनको, पुरानी फिल्में भी कई दफ़ा हम दोबारा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि भूल गए होता है आदमी उसका पूरा प्लॉट, और आज की फिल्मों के साथ एक कंपैरिजन हो जाता है उनका। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सी फिल्में, ये आनंद जो फिल्म थी जहाँ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों थे, मुझे याद है, वो एक अच्छी फिल्म थी, उसमें काफ़ी गंभीरता से मुद्दों को उठाया गया था, और राजेश खन्ना की बाद में रखा उसमें डेथ भी हो जाती है, तो दैट वाज वन गुड फिल्म। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा, 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम, बोलो बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। भावमशाय भावमशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है।